नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए2जेड। जनपद शिवपुरी में जिला आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए जिले में अभियान चला रखा है, जिसके चलते अवैध शराब माफियाओं में खलबली मची हुई है और शराब माफिया आबकारी अधिकारी के डर से अंडर ग्राउंड हो गए हैं। वहीं जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर सभी तहसीलों में भी क्षेत्रीय अधिकारी अवैध शराब बनाने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब कुछ चिटौरी गांव के पास सौर ऊर्जा प्लांट के पीछे कच्ची शराब बनाने का काम कर रहे थे, तभी आबकारी अधिकारी और उनकी टीम ने छापेमारी कर दो शराब माफियाओं को पकड़ा और 100 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त की, साथ ही शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया। समाचार ए2जेड के लिए शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। सर, समाचार एटीवेट में आपका स्वागत है। सर, आज शराब को लेकर के चिटोरी में सूर्या प्लांट के पास में जो बड़ी कार्रवाई हुई है, उसमें आपका क्या कहना है? ये मैंने स्टाफ को परसों बुलाया था और चूंकि लॉकडाउन में अवैध शराब की ज़्यादा शिकायतें आ रही थी, इसीलिए मैंने समस्त स्टाफ को बुला करके यह टारगेट दिया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में जा करके आप कार्रवाइयाँ करें और अवैध मदरा एवं अवैध जो क्रियाकलाप हैं शराब के, उन पर अंकुश लगाएं। उसके तहत ये स्टाफ अपने खुद के प्रयास से इन्हें मुखबर की सूचना निकाल के यहाँ टारगेट पर पहुंचा था, उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में स्टाफ ने 2600 लीटर के करीब मऊगा लहन एवं 135 लीटर कच्ची बनी हुई शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 65 से 70 हज़ार के करीब है। सामान में इन्होंने 10 ड्रम भी पकड़े हैं और 7 छोटी 50-50 लीटर की कैनें भी इन्हें जब्त की हुई हैं। इसमें ये स्टाफ की सराहनीय काम है लोगों का, जो आज इन्होंने कार्रवाई की है। मैं भी यही चाहूँगा कि स्टाफ भी लगातार कार्रवाई करे, इसीलिए इस अवैध शराब पर अंकुश लगाया जा सके। थैंक यू सर।